आज हम बनाएंगे राजस्थान स्पेशल दाल बाटी और चूरमा। इसे सर्व किया जाता है एक स्पेशल पंचमेल दाल चूरमा और बाटी के साथ। चलिए बनाते हैं पंचमेल दाल। इसके लिए हम लेंगे मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, चना दाल और अरहर दाल, सभी 1/4 कप है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। 3 to 4 times आई विल वॉश इट विद वाटर प्रॉपरली, जब तक कि पानी पूरा क्लियर नहीं हो जाए। एंड देन पानी में इसे आधा घंटा के लिए हम सोक कर देंगे। बाटी के लिए हम लेंगे थोड़ा सा आटा। आटे में हम डालेंगे थोड़ी सी सूजी ताकि दरदरापन आ जाए, नमक, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे घी, जिसे हम कहते हैं मोयन, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, हम एक मुट्ठी बांधेंगे और इट शुड होल्ड द शेप एज शोन इन द वीडियो। नेक्स्ट इसमें डालेंगे पानी एंड वी विल नीड इट इन टू अ डो। आटा बहुत ज़्यादा नरम या बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी। इसमें डालेंगे अजवाइन और इसे गीले कपड़े से कवर कर देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। नेक्स्ट वी विल टेक अ स्मॉल पोर्शन एंड रोल इट इन टू अ बॉल। इसमें एक क्रिस क्रॉस बनाएंगे एंड वी विल ब्रिंग इट ऑल टुगेदर एज शोन इन द वीडियो एंड वापस इसको राउंड अप कर देंगे। इससे क्या होगा कि बाटी जो है वो बीच से कच्ची नहीं रहेगी और अच्छे से पक जाएगी वाइल इट्स बेकिंग। सिमिलरली वी विल शेप ऑल आवर बाटीज लाइक दिस एंड दिस इज हाउ ऑल द बाटी इज गोइंग टू लुक वंस इट्स डन। फिर हम इसे तंदूर या अवन में बेक कर सकते हैं। अगर आप अवन में कर रहे हो तो ट्रे में थोड़ा सा तेल लगा ले एंड वी विल ट्रांसफर ऑल द बाटी एंड बेक इन अ प्री हीटेड अवन फॉर 15 minutes। जब दाल अच्छे से सोख हो जाए, इसे हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे विद सम वाटर 3 to 4 cups। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, हल्दी और घी। घी या ऑयल डालने से कुकिंग के टाइम पे दाल विसल से बाहर नहीं निकलती है। वंस द दाल इज़ बॉयल्ड, इसे थोड़ा सा घोटेंगे, पूरा नहीं। देन वी आर गोइंग टू हीट सम घी, एड हींग, जीरा, ड्राई रेड चिली, आप कश्मीरी रेड चिली भी यूज़ कर सकते हो, ग्रीन चिली एंड जिंजर। जब ये कुक हो जाए, वी आर गोइंग टू एड अनियन। आप चाहो तो अनियन स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर द कलर। इसे अच्छे से कुक करके वी आर गोइंग टू ऐड टमेटोज नेक्स्ट। जब टमेटोज अच्छे से पक जाए, इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट और इसे 2 मिनट और पकाएंगे। नेक्स्ट वी विल ऐड बॉयल किया हुआ दाल। दाल को अच्छे से कुक करेंगे जब तक ये बॉयल पे नहीं आ जाता। टू दिस वी आर गोइंग टू ऐड सम गरम मसाला एंड अ लॉट ऑफ चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स एंड लुक एट हाउ ब्यूटीफुल द दाल इज़ लुकिंग। हमारी बाटी अच्छे से पक गई है। इसको हम फ्लिप करेंगे और बेक करेंगे फॉर अनदर 5 minutes सो दैट इट गेट्स कलर ऑन बोथ द साइड्स। वंस द बाटी इज़ डन, इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस। इसे हम घी में डुबाएंगे। आप 4 to 5 minutes भी घी में डुबा सकते हो या यू कैन डू इट फॉर 30 seconds ऑल्सो। दिस इज़ हाउ द बाटी इज़ सर्व्ड ट्रेडिशनली। इसी तरह से हम सारी बाटी को घी में डुबा लेंगे। चूरमा के लिए हम 3 बाटी लेंगे। इसे डालेंगे मिक्सी ग्राइंडर में। इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे टिल द टाइम इट लुक्स लाइक पाउडर। थोड़ा सा घी गरम करके उसमें डालेंगे गोंद एंड वी विल कुक इट टिल द टाइम इट बिकम्स लाइक पॉपकॉर्न। अगर गोंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट्स, कैश्यू, बादाम, पिस्ता, वॉट एवर यू हैव, ग्राइंड की हुई बाटी और इलायची पाउडर। इसे 3 to 4 minutes कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, एंड वी विल लेट इट कूल कम्प्लीटली। मेक श्योर कि ठंडे होने पर ही आप पाउडर्ड शुगर मिक्स करें। मिक्स इट वेल एंड आवर चूरमा इज रेडी। सर्व इट विद सम पंचमेल दाल एंड बाटी। जस्ट लुक हाउ ब्यूटिफुली द बाटी हैज कुक फ्रॉम इनसाइड। प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी गाइज एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द लाइक बटन।